हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उन्नीस सोशल मीडिया में। आज हम आपको बताएंगे कि बीजेपी में ये ई कार्ड कैसे बनाया जाता है। बीजेपी ने एक नया मेंबरशिप लॉगिन बनाया है जिसमें आप भारतीय जनता पार्टी में मेंबरशिप ले सकते हैं। आप जैसे ही मेंबरशिप लेंगे तो आपको ऐसा ही कार्ड बना के दिया जाएगा जो आपके भविष्य में काम आ सकता है। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल उन्नीस सोशल मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेंबरशिप लेने के लिए आपको इस नंबर पर मिस कॉल देना होगा 8980808080 पर। आप जैसे ही कॉल करेंगे, बेल जाने के बाद अपने आप ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही आपको एक SMS प्राप्त होगा जो बीजेपी की तरफ से आपको मैसेज दिया जाएगा। आपको एक ऐसा SMS प्राप्त होगा जिसमें बीजेपी का लोगो दिया होगा। आपको एक ऐसा SMS प्राप्त होगा जिसमें एक लिंक दिया होगा। इसी लिंक से आपको अपना ई कार्ड बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट में चलेंगे। वेबसाइट में आने के बाद एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपको दिया होगा भाजपा के सदस्य बने। आपको इस नंबर पर आप जैसे ही मिस कॉल करेंगे आपको एक SMS प्राप्त होगा। SMS प्राप्त होने के बाद जो उसमें लिंक दिया होगा आपको उसमें क्लिक करना। आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक ऐसा वेबसाइट खुल कर आएगा। अब इसमें आपको फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म भरने के बाद आपको एक ई कार्ड प्रोवाइड होगा जैसे मैंने आपको कार्ड दिखाया। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना लैंग्वेज को चूज़ कर लीजिए, इंग्लिश या हिंदी। आप जिस भाषा में आपको बनाना है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इंग्लिश ही रहने देते हैं। यहाँ पर आपको वही नाम डालना है जो आपको अपने कार्ड में चाहिए। तो यहाँ पर अपना नाम टाइप करिए। यहाँ पर नाम टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है जो इस समय इसमें रजिस्टर्ड ना हुआ हो। इसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है। यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है जो भी आपका वहाँ का पिन कोड हो। आप जैसे ही पिन कोड डालेंगे तो आपको यहाँ पर दिया होगा UR स्टैंडिंग नंबर। जैसे आप पहले से मेंबरशिप लिए हैं तो यहाँ यस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो यहाँ पर नो कर दीजिए। यहाँ पर नो करने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल ID डालना पड़ेगा। यहाँ पर ईमेल ID डालने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट डालना होगा जो भी आपको आपका जो भी स्टेट हो। डालने के बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालना है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका अपना एड्रेस डालना है जो भी आपका एड्रेस हो, जो भी आपका एड्रेस हो आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर लोकसभा जो भी आपकी लोकसभा हो यहाँ पर फिल कर दीजिए। मेरी उन्नाव हो तो मैं 33 उन्नाव डाल दूँगा। यहाँ पर भी उन्नाव को सिलेक्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर आपको जेंडर जो भी आपका जेंडर हो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना बहुत ही ज़रूरी है जिसमें जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। यहाँ पर आपका नेम, मिडिल नेम आप जैसे यहाँ पर डाल सकते हैं। नेम, मोबाइल नंबर तो ये ज़रूरी नहीं कि आप फिल करें तो इसको आप छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप आपको यहाँ पर आना है। अगर आपको यहाँ पर अपनी फैमिली को ऐड करना तो यहाँ यस करके आप जोड़ सकते हैं, अन्यथा नो कर दीजिए। नो के करने के बाद आपको सोशल कैटेगरी यहाँ पर चॉइस करनी है जो भी आपकी सोशल कैटेगरी हो। तो यहाँ पर कैटेगरी आप जैसे जनरल, OBC, SC, ST आप जो भी आपका होता है, मेरा जनरल तो यहाँ पर जनरल फिल कर देंगे। आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, 6 और 2 कितना होता है यहाँ पर आपको डाल देना है। 6 और 2 8 होता है। डालने के बाद यहाँ पर आप उपनेम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में आप अपना जो भी आप डाल सकते हैं। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पर दिया होगा अपलोड फोटोग्राफी। आपको यहाँ पर वही फ़ोटो अपलोड करना है जो भी आपको ई कार्ड में चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपलोड फोटोग्राफी पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही फ़ोटोग्राफी पर क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटोज आ जाएंगी। जो भी आपको फ़ोटो लगानी हो आप यहाँ से चॉइस कर लीजिए और यहाँ से डन कर दीजिए। आप जैसे ही डन करेंगे तो थोड़ी देर लोडिंग लेगा, आपको बताएगा कि आपको कितनी फ़ोटो लेनी है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करना है। नीचे करने के बाद उसको आप अच्छे से सेट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक करना है। आप जैसे ही जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे आपको उसी नंबर पर एक SMS प्राप्त होगा जो आपने यहाँ पर नंबर डाला है। मेरी OTP आ गई है। हम OTP डालेंगे 1580681061। अब आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ थोड़ी देर लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेशन लिख के आएगा। लोडिंग यहाँ पर आप दे सकते हैं मेरे
मैंने मेरा आ गया योर बीजेपी रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया 8335। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया होगा डाउनलोड माई ई कार्ड और शेयर माई ई कार्ड। और यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया होगा योर इनवाइट कोड। अब यहाँ पर रेफरल नाउ, यहाँ पर रेफरल नाउ करके आप दूसरों को भी बता सकते हैं। यहाँ पर दिए हैं सपोर्ट दोस फॉर इंडिया फर्स्ट सपोर्ट बीजेपी थॉट माइक्रो डिजन। तो अब आपको अपना डाउनलोड ई कार्ड पर, यहाँ पर देखिए आपको एसएमएस भी प्राप्त होगा जो लिखा होगा थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्टेड इन बीइंग पार्ट ऑफ चेंज द बीजेपी दिया होगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको डाउनलोड माई ई कार्ड पर क्लिक करना। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं डाउनलोडिंग, अब यहाँ आपको ओपन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे आपका ई कार्ड बनके तैयार हो जाएगा जो जिसमें आपका नाम दिया होगा, ये देखें भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर जो आपने फ़ोटो सेलेक्ट किया है वो फ़ोटो लग गई। यहाँ पर जो आपने नाम सेलेक्ट किया था वो भी हो गया स्टेट, और आपकी मेम्बरशिप दिया है मेम्बरशिप। ऐसे ही आप जैसे जैसे मैंने स्टेप बताया आप वैसे ही करके आप अपना भारतीय जनता पार्टी में अपना कार्ड बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल नहीं सोशल मीडिया को सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग बीजेपी में अपना मेंबरशिप को रजिस्ट्रेशन करा सकें। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि व्हाट्सएप सेटिंग कैसे किया जाता है और व्हाट्सएप हैंग होने से कैसे बचाया जाता है।